पौधों की आप ग्रोथ देख सकते हो। जी जी, 5-6 फुट तक अभी ये पौधे ग्रोथ कर चुके हैं। हमारे पूर्वज यही खेती करते थे, जिसका जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे हमारे पास 10 आदमियों की रोटी है, खाना है, और हमारे पास आगे 50 आदमी तो वो सारे भूखे रह जाएंगे। इसका आप उठाव देख सकते हो, ये चारों तरफ ऐसे घेरा बन गया है। तो ऐसी मूंगफली की फसल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। लोग 50-60-80 किलो तक बीज डालते हैं, लेकिन ये 17 किलो बीज डाला गया है। कुल आजकल अधिकांश खेतों में ये बहुत बड़ी समस्या आती है। ऊपर के पत्ते पीले और सफेद होने लगते हैं। तो रस्ते चलता आदमी बता देगा आपने मूंगफली में क्या डाला है, इतना शानदार परिणाम कैसे मिला है, 10 रुपये के खर्च में जी जी इतना शानदार परिणाम मिलता है जी। हाँ, नमस्ते हनुमान जी। नमस्ते जी। सबसे पहले आप ये बताओ कि ये मूंगफली की कौन सी वैरायटी है? वैरायटी क्यों, देखो मुझे पूरा पता नहीं है। अच्छा, जब यहाँ से सिंचाई शुरू हुई 1984-85 में, उसी समय की वे वैरायटी मेरे पास चल रही है। और इस वैरायटी को इस बार ने ये स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी ट्रायल के लिया गया है, और वो भी ट्रायल कर रहे हैं इसमें क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता है और ये कैसे हो जाती है बिना यूरिया DAP, जिसको मैं 12 साल से ये जैविक खेती कर रहा हूँ। जी जी, ये इस वैरायटी का आपको पता ही नहीं है कौन सी है? पता ही नहीं है, ये इसे देसी वैरायटी बोलते हैं। अच्छा, ये इसकी बुआई कब की थी? बुआई 1 जून में की गई थी। अच्छा, 1 जून में की गई थी। तो इसमें क्या खाद पानी, क्या खुराक दिया आपने? कोई खाद पानी नहीं दिया गया, हरी खाद बोता हूँ पहले ढेंचा, उसके बाद में मैं वर्मी कंपोस्ट बना रहा हूँ। 20-25 मेरे पास पशु है, उनसे वर्मी कंपोस्ट बना रहा हूं, वो डाल देता हूँ। बाकी ये प्रकृति और पशुधन पर आधारित खेती है, जो हम 1966-67 हरित क्रांति के बाद हम छोड़ चुके हैं। हमारे पूर्वज यही खेती करते थे, जिसका जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे हम दुनिया का सबसे पौराणिक ग्रंथ ऋग्वेद, पाराशर संहिता या महाभारत काल का हम देखें तो भगवान कृष्ण के भाई बलराम को भी हलधर कहा गया है। उन ग्रंथों में भी इसी खेती का जिक्र मिलेगा, जिनसे जो प्रकृति और पर्यावरण के ऊपर आधारित है, जो प्रकृति का मूल मंत्र है जीव द्वारा ही जीव पर नियंत्रण, उस सिद्धांत को हम आप रासायनिक खेती से ख़त्म कर चुके हैं। तो वो उसी पर आधारित ये खेती है, और ये रिसाइक्लिंग सिस्टम भी है कि पशुओं को मिलने वाला आहार जी जी जो ये फसल अवशेष से मिलता है, और पशुओं के गोबर गोमूत्र से कंपोनेंट बनाकर और ये पशु आधारित खेती की जाती है। इनके पौधों की आप ग्रोथ देख सकते हो। जी जी, 5-6 फुट तक अभी ये पौधे ग्रोथ कर चुके हैं जी। ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ इसका जर्मिनेशन हुआ है जी, और यहाँ तक। और एक विशेषता मैं इसकी बता देता हूँ कि लोग 50-60-80 किलो तक बीज डालते हैं, लेकिन ये 17 किलो ही बीज डाला गया है। अच्छा। ज़्यादा बीज डालने से, ज़्यादा रासायनिक उर्वरक अंधाधुंध प्रयोग करने से जी हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो बढ़ती है। जो पीछे बनिए का ब्याज होता है वो रात दिन लगता है, जो कभी सोता नहीं है, और हमें आरोग्य जीवन के लिए पोषण युक्त आहार के लाले पड़ गए हैं। आज हम देख रहे हैं कि वर्ष दर वर्ष अनेक लाइलाज बीमारियों के मरीजों में वृद्धि दर्ज होती देख रही हैं। घातक बीमारियाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, वो बढ़ती जा रही है जी। तो जो हार्ड वर्क करने वाला किसान है, उनको तो इस बीमारियों से बचा रहना चाहिए, लेकिन ये जहर हम रात दिन पी रहे हैं, जिससे ये बीमारियां हो रही है। अच्छा। तो आरोग्य जीवन के लिए, पोषण युक्त आहार के लिए आज की आवश्यकता है कि हम जैविक खेती पर आएं। और ये कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, वही तकनीक है जो हमारे पूर्वज करते आए थे, जिसको हम छोड़ चुके हैं। और ये कोई हार्ड काम नहीं है, लोग भ्रमित हैं कि क्या पता हो पाएगी नहीं हो पाए। अगर हम अच्छी पूरी जानकारी लेकर इस खेती को शुरू करें तो ये आज हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे बैक्टीरिया बेस कोष निकाले हैं, जिनके ऊपर जिनको हम जो वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, उसको जैसे राइजोबियम कल्चर है, एजोटाफैक्टर है, PSB है, उनसे हम फसलों को पोषण देकर वो मशीन पुनः चालू कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि रिलेटेड वातावरण मिले, हमें जानकारी हो, नहीं तो जैसे हम पानी में उतरते हैं, तैरना नहीं आता है तो हम डूब जाएंगे। उसी प्रकार से अगर बिना जानकारी हम इस खेती में उतरेंगे तो हम बैकफुट पर आएंगे, और हमें देखकर बाकी किसान भी बैकफुट पर आएंगे कि उसने जैविक खेती की थी और उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो गई। जी जी, लगभग किसान भाई 50 किलो के आसपास बीज डालते हैं, आपने ये मात्र 17 किलो बीज में ही इतनी अच्छी पैदावार, इतना अच्छा मूँगफली का फुटाव फैलाव, बहुत ही, ये तो एक चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल, 17 किलो भी मैं कहता हूँ ज़्यादा है। अच्छा। पहले हमारे पूर्वज कहते हैं कि हम 7-8 किलो तो ऊपर में था बीज जी, 7-8 किलो। वो आजकल जो नए ट्यूबवेल क्षेत्र वाले लोग हैं, उन वो उस बात को मानते नहीं है जी, लेकिन जी। ये हकीकत है, ये मुझे अब विश्वास हुआ है कि सीड क्वान्टिटी कम होने से भी पौधों को पोषण अच्छा मिलता है। जी, जैसे जी। हमारे पास 10 आदमियों की रोटी है, खाना है,
और हमारे पास आगे 50 आदमी तो वो सारे भूखे रह जाएंगे जी। उसी प्रकार से हम अगर ज़्यादा सीड क्वांटिटी डालेंगे तो पौधों को पोषण कहाँ से मिलेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, ज़मीन से मिलेगा जिसको तो हमने बर्बाद कर दिया है। जी जी, ये तो है। अच्छा, तो कई किसान भाई जो मूंगफली की खेती कर रहे हैं उनको पीलापन की समस्या से बहुत जूझना पड़ रहा है, तो इसका क्या कारण है? बिल्कुल, आजकल अधिकांश खेतों में ये बहुत बड़ी समस्या आती है। ऊपर के पत्ते पीले और सफ़ेद होने लगते हैं जी। जो या तो अधिक बारिश हो जाए जी, या जैसे ये हमारा इरिगेशन सिस्टम है जी, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, उससे जहाँ पर लाइन लगी होती है वहाँ पर अधिक पानी पड़ता है। हमारे बीकानेर संभाग में आयरन की कमी है, तो उस आयरन थोड़ा बहुत है वो भी अधिक बारिश या अधिक पानी गिरने से वो ज़मीन में रिचार्ज होता है, जिसकी वजह से ऊपर की पत्तियां पीले होने का रीज़न यही है कि इसमें लोहे तत्व की कमी हो गई। तो उसके लिए किसी किसान की अगर समस्या हो तो 0.5 और 0.1 अच्छा राकसिस और नींबू सत का पर्ण स्प्रे यानी फॉलियर स्प्रे करने से तुरंत तीसरे दिन उसका परिणाम मिलता है जी। राकसिस है और जो आपने नींबू सत बताया जी, तो इसका कितनी मात्रा होनी चाहिए और इसको कब स्प्रे करना चाहिए? जैसे हमारी ये कंधे पर डालने वाले लेकर स्प्रे करने वाली टंकी होती है जी, 16-17 लीटर की जी, उस टंकी में 80 ग्राम राकसिस जो पंसारी की दुकान में मिल जाएगा जी, और साइट्रिक एसिड में हो तो उसमें एक नींबू निचोड़ सकते हैं जी, और लगभग 10 रुपये खर्चा है। उसको शर्त ये है कि उसको मिट्टी के बर्तन में भिगोएं तो अच्छा रहेगा। शाम को मिट्टी के बर्तन में भिगो दिया और उसको स्प्रे करेंगे उससे। और कृषि विभाग रेकमेंड भी करता है कि या तो बुआई के समय 5 किलो डाल दो जी, मुझे तो आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जिनके जो समस्या है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जी जी। मेरे तो कभी कोई समस्या आती नहीं है फसल में, कोई बीमारी भी नहीं आती है जी जी, लेकिन जिनके आजकल मुख्य समस्या खड़ी हो गई है उनके लिए तो कृषि विभाग बैक्टीरिया बैस भी फ्री में देता है, इन चीज़ों इन बातों को रेकमेंड करता है। उनको किसान नहीं मानता और उनके गाइडनेशन में काम करता है जिनके कभी बाप दादा ने खेती नहीं की जी जी, वो अंधाधुंध डलवा देते हैं जी। कल भी मेरे पास एक फ़ोन आया था कि ये दुकान वाला बोल रहा है कि 5-6 किलो तो स्प्रे करेंगे 5-6 किलो से तो ये इनके पत्तियाँ जल जाएगी, किसान को नुकसान भी हो सकता है। साथियों, आप जैसे देख सकते हो हनुमान जी ने बताया कि मात्र 17 किलो बीज में इतनी शानदार मूंगफली की फसल आपको देखने को मिल रही है और इसका आप कुटाव देख सकते हो, ये चारों तरफ ऐसे घेरा बन गया है, तो ऐसी मूंगफली की फसल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों, अगर आपको कोई मूंगफली से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, जैविक खेती से संबंधित जानकारी चाहिए, तो हनुमान जी का जो मोबाइल नंबर है वो आपको इस वीडियो में मिल गया होगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद हनुमान जी, आपने किसान भाइयों को खेती से संबंधित, मूंगफली की खेती से संबंधित अच्छी जानकारी दी। तो साथियों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और किसान साथी के साथ। धन्यवाद, जय किसान, राम राम।